संसार सागर में भगवान को किसी पद की आवश्यकता नहीं, पद की आवश्यकता हम मनुष्यों को होती है। प्रधानमंत्री का पद चाहिए तो हमें काम करेंगे, राष्ट्रपति का पद चाहिए तो ये कार्य होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे तो इतना काम फ्री भी करेंगे, और नहीं बनेंगे तो नहीं करेंगे, अब बन जाएंगे तो चाहे बाद में लूटे ले जाएं। बोले भक्त वत्सल भगवान। लेकिन भगवान बिना पग के, बिना किसी पद के, भगवान को चाहे पद मिले चाहे न मिले, सारे संसार के भगवान राजा होते हुए भी इस संसार सागर भगवान हमारे आपके मित्र भाई बंधु सखा भी बनने के लिए तैयार। सखा बना लोगे तब भी भगवान वैसे कार्य करेंगे। एक सज्जन आए, कहा संसार सागर में वैज्ञानिक आधुनिक युग चल रहा है। हमने कहा बात बिल्कुल सत्य है, दुनिया का कोई ऐसा असंभव नहीं जो संभव ना हो जाए, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमने कहा एक असंभव है जो संभव हो सकता है, क्या कभी नहीं संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कौन सा संभव है। हमने कहा 50 साल तक कोई पिता अपने पुत्र का पिता रहे, अब 50 साल के बाद बेटा आवे अपने पिता से कहे पिताजी 50 साल तक तो आप हमारे पिता रहे, लेकिन हमारी इच्छा है कि अब मैं आपका पिता बन जाऊं, आप मेरे पुत्र बन जाओ। तो दुनिया में वैज्ञानिक आधुनिक कितना भी ये युग आ जाए लेकिन कोई पिता इसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो संसार का जो जगत पिता है ना, जगताधार परम पिता परमात्मा नारायण, वो पूरी दुनिया का जगत पिता है। वो तो कहता है अगर कोई मुझे पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बनने के लिए तैयार हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अभी कथा सुनोगे, महाराज मनु सतरूपा ने क्या कहा था भगवान से, यही तो कहा था कि आप सारे संसार के जगत पिता हो परंतु अब मुझे आपको पुत्र बनाना है। तो जगत पिता वो संसार का जो ब्रह्मांड का मालिक है, जब पुत्र बन करके भी आता है ना तब भी अपने कार्य को करता रहता है। अब पद नहीं है राजा का, पिता का पद नहीं है, फिर भी संसार का भरण पालन पोषण वो करता रहता है। बोली भक्त भोलेनाथ ने कहा पार्वती ध्यान देकर के सुनो, इस संसार सागर में भगवान के निर्गुण निराकार ब्रह्म के सगुण साकार के रूप में आने के कई कारण हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान किसी एक कारण से धरती पर अवतार लेते हैं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती सावधान होकर के सुनो, इस संसार सागर में भगवान राम जो निर्गुण निराकार ब्रह्म थे सगुण साकार के रूप में राम बन करके धरती पर आए तो उसका एक ही कारण है। ये संसार सागर में नहीं कहा जा सकता, भगवान एक कारण से धरती पर अवतार नहीं लेते। राम जन्म के हेतु अनेका, अनेक कारण है, और एक से बढ़ करके एक बड़े से बड़े छोटे से छोटे कारण है कि परम विचित्र एक थे। याद रखना जन्म एक दुई सुमति सयान, सावधान सुनु सुमति भवान। संसार सागर में सावधान होकर के सुनिए, भगवान राम के जन्म के कई कारण हैं। भगवान राम की पावन जो मंगलमय कथा है सजनों ना, यह मनुष्य के जीवन का सदा सर्वदा कल्याण करती है। इसलिए जीवन मिला है तो भगवान राम से भगवान की कथा से हमको आपको सबको प्रेम करना चाहिए। हर समय उठते बैठते सोते जागते भगवान की कथा सुनने के तत्पर रहो। अपने घर गृहस्थी के कार्य का परित्याग करके 2-3 घंटे का समय कथा के पांडाल में नहीं दे पाओगे ना, तो याद रखना हमसे आपसे बड़ा अभागा संसार सागर में कोई और है ही नहीं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।